आज हम बात करेंगे जिसे हम सब रिलेट करते हैं, दैट इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट गोल्स। मोर स्पेसिफिकली दो चीज़ों में बात करेंगे आज हम। पहले तो व्हाई व्हाई आर हैबिट्स बेटर देन गोल्स, एंड सेकंड हाउ हाउ कैन वी डेवलप हैबिट्स। न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोल होता है वो सबका। अबाउट 92% ऑफ द पीपल फेल टू अचीव न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। मैं भी कभी इस 92% वालों में से था। देखो, इसलिए नहीं फेल करते क्योंकि आप केपेबल नहीं हो या मोटिवेटेड नहीं हो, और इसलिए करते हो कि जो गोल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी ड्रैग बन जाते हैं और बिल्कुल ही अनअचीवेबल बन जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है साइकिल वही, प्रोक्रेस्टिनेशन की, स्ट्रेस की, फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन की, फिर से स्ट्रेस की। मैंने पर्सनली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेना बंद कर दिया। उसका कारण है कि मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाता था। बहुत सिंपल है, फ्रैंक है, सबके साथ होता है। मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को स्विच किया डेकेडल गोल्स में। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा मेरे को, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बट अब मैं डेकेडल गोल्स सेट करता हूँ। मतलब मुझे एक डेकेड में क्या चाहिए, और इन डेकेडल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हैबिट्स को डेवलप करना। देखिए, 40% हमारे जो डेली एक्शंस होते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो हैबिट्स की वजह से होते हैं। यहाँ ये कीवर्ड याद रखिएगा, ऑटोमेटिक। सी, हैबिट्स आपके कुछ फंक्शंस को, कुछ यू नो आपके टास्क को जो आप कंप्लीट करते हो ना, उसे ऑटोमेशन में डाल देता है। इसे ऐसे समझते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ में छोटे मोटे टास्क पूरे करने की आदत है। फॉर एग्जांपल से उठते साथ बेड बनाना, या एक दिन में दो बारी ब्रश करना, इस तरह के छोटे मोटे टास्क। ये सुनने में छोटे हैं, बट आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ मेरे सामने आ जाए मैं उसको कंप्लीट करूँगा। जब आपके ब्रेन की ये ट्यूनिंग हो जाती है ना, तो होता क्या है कि आपके सामने कोई भी टास्क हो, आपके प्रोफेशनली, आपके पर्सनली, कुछ भी आए, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको ना टैकल करने के मूड में चला जाता है। आपने अपने ब्रेन को ऐसे ट्यून करा हुआ है कि कोई भी टास्क उसके लिए एक एवरीडे वर्क हो गया। मतलब आप ऑटोमेशन में चले गए हो कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। इस तरीके से ना यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन और नॉट दी अदर वे अराउंड। बट फर्स्ट, अगर आप इस चैनल में नए हो ना, डू सब्सक्राइब। वी टॉक अबाउट व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, योर माइंड एंड योर हार्ट। सो व्हाई आर हैबिट्स एक्चुअली बेटर देन गोल्स? सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, गोल्स ना बहुत बढ़िया चीज़ है। वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको कुछ अचीव करने के लिए ना आपको स्ट्राइव करते हैं कि यार आप अचीव करो उसे, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, गोल्स आर गुड। ये आप हो, है ना, गोकू वाले मस्त बाल। आपका कुछ गोल है, से फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया बाइक लेने का आपका गोल है, ये तो ना आपकी डेस्टिनेशन हो गए। गोल्स एक्चुअल में ना डेस्टिनेशंस होते हैं। होता क्या है कि एक बार आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए और आपने सिर्फ एक गोल सेट किया हुआ है, आप वन टाइम पहुंच जाओगे, बट उसके बाद क्या, फिर आप फिर से ब्लास्ट हो जाओगे, नया गोल सेट करोगे, सेट करने में टाइम लगाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन चालू करोगे, आप कुछ भी करोगे, बट आप एक जगह पहुंच जाओगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आपको पता नहीं होता ना नेक्स्ट क्या करना है, तो आप नहीं कर पाते हो। यही प्रॉब्लम है गोल के साथ, वो एक डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन में पहुँच जाने के बाद क्या करना है अक्सर हम में से किसी को नहीं पता होता। बट हैबिट्स क्यों बेटर है? ये जो रास्ता देख रहे हो ना आप, हैबिट्स बेसिकली ये जर्नी होती है। ये कुछ ऐसे डेली एक्शंस होते हैं जो आप कंटिन्यूसली करते रहते हो अपने गोल में पहुंचने के लिए या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? आपकी हैबिट है गोल अचीव करने की, आपने बाइक ले ली, ठीक, फिर आपकी जर्नी चालू है, आप पहुंच गए इधर, फिर आपकी जर्नी चालू है, आप पहुंच गए इधर, आप कंटिन्यूसली अपने गोल्स पूरे करते जाते हो। इमेजिन करो, आप अपने बॉडी के ऑटोमेटिक चीज़ों को हार्नेस कर रहे हो, इस पावर को हार्नेस कर रहे हो। आपके लिए फिर ना एक डेस्टिनेशन या एक गोल इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपकी हैबिट हो जाएगी अलग अलग गोल्स को कंटिन्यूसली पूरा करने के लिए। दैट्स हाउ यू विल ट्यून योर ब्रेन। इस डेस्टिनेशन और जर्नी के फंडे को ना थोड़ा सा और इजीली समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक गोल सेट किया कि आप साल में 50 बुक्स पढ़ोगे। सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगती है, बट
अब आप सोचो कि आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ोगे बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप और एनीथिंग, कहीं बैठे हो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आप उस यू नो उस टाइम स्पैन में आप 20 मिनट रीड करोगे, उससे होगा क्या कि आपकी जो रीडिंग है ना वो आपकी हैबिट बन जाएगी. दोस 20 मिनट्स विल बिकम योर हैबिट. आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 50 के 100 किताबें पढ़ ली पूरे साल में. इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से आपने ना वो जो अनड्यू प्रेशर और अनड्यू स्ट्रेस है जो आपने आपको ब्रेन को दिया कि यार मुझे कंप्लीट करना है 50 बुक्स, वो रिलीज़ हो जाएगा और वो चीज़ 20 मिनट के लेजर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपका वो जो 20 मिनट का एक हैबिट था जो आपने इनवाइब किया, उसने ऑटोमेटिकली आपकी सारा का सारा गोल पूरा कर दिया बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के. देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि हैबिट क्यों बेटर है गोल से, वो डेस्टिनेशन और जर्नी वाला फंडा. अब समझते हैं कि हैबिट फॉर्म कैसे होती है. देखिए, कोई भी अगर आपसे बोले ना कि हफ्ते भर में 10 दिन में हैबिट फॉर्म हो जाती है, नहीं, झूठ बोल रहा है, आपको पट्टी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता. एक चीज़ होती है जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं. क्यू रूटीन रिवॉर्ड, ईट स्लीप रिपीट, सेम क्यू रूटीन रिवॉर्ड रिपीट एट लीस्ट 30-40 डेज तक. एक हैबिट को फॉर्म होने में पर्सनल एक्सपीरियंस से 30-40 दिन लगते हैं. मे बी किसी का कम ज़्यादा होता होगा, बट पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी हैबिट्स मैंने डेवलप करी हैं, 30-40 दिन लगता ही लगता है कि वो आपकी एक ऑटोमेशन में चली जाती है. इसको मैं अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ. देखिए, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे के राउंड में उठता हूँ, ठीक है. उठते साथ मैं गर्म पानी के 2 ग्लास पीता हूँ. ये मेरा क्यू है. किस चीज़ का? अपना रूटीन, एक्सरसाइज चालू करने का रूटीन चालू करने का. मैं रनिंग करता हूँ अपने डॉग के साथ, मैं उसको अपनी बॉडी से हार्नेस करता हूँ, उसके साथ साथ भागता हूँ. बहुत फ़ायदे हैं वैसे कुत्ते के साथ भागने में. एनीवे, वो मेरा रूटीन है जिसका क्यू है ये 2 ग्लास गर्म पानी पीना. इसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलता है. क्या? मुझे सनराइज बहुत पसंद है. वो जो चीज़ है ना, अगर मैं सनराइज़ देख लूँ तो दैट्स इट, दैट्स द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर मी हर दिन हर सुबह. इस पूरी चीज़ को मैंने 30-40 दिन किया था, तब जाकर के मेरी हैबिट बनी थी एक्सरसाइज करने की. तो आपको करना क्या है अपनी हैबिट बनाने के लिए? आपको एक बहुत क्लियर कट क्यू रखना है, आपको एक क्लियर कट रूटीन रखना है. सिंपल रखिए बट क्लियर कट रखिए. ऐसा नहीं कि वेग, फॉर एग्जांपल मुझे 5 किलोमीटर भागना है, नहीं, मुझे 10-15 मिनट रनिंग करनी है. बहुत क्लियर कट है. और अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए. देखिए, अपना जो ब्रेन है ना, अपना जो माइंड है ना, उसको रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है. आप उसको रिवॉर्ड देते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आपका बिहेवियर है, जो आपने हैबिट बनाई है, वो कब आपका एक ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाए, एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाए, वो आपको भी नहीं पता चलेगा. एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. बट हाँ, आपको ये चीज़ लगातार करनी पड़ेगी 30-40 दिन. बहुत क्लियर कट ऑन द फेस आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ कोई भी हैबिट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 30-40 दिन से पहले नहीं डेवलप होती. और वो आपको कंसिस्टेंटली करनी होती है, यानी कि एक दिन करा, 4 दिन किया और फिर. इनफैक्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन में हैबिट एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपका जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रेस का साइकिल होता है, इसको ब्रेक करता है. अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में इस बारे में बात करी है, आप देख सकते हो. अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं, आपका कुछ ऑटोमेशंस हैं, वो एक लौती चीज़ है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालती है. अब बात करते हैं, जो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन की आपसे बात कर रहा था, मैं उसके एग्जाम्पल से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. हैबिट स्टैकिंग, एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट, एक हैबिट आपका क्यू बन जाती है दूसरी हैबिट के लिए. मैं रनिंग करके आया, मैं नहाने चला गया, नहाने और ब्रेकफास्ट से पहले आई वेयर माई शूज़, ये मेरी दूसरी हैबिट है. ये सुनने में तो अटपटा लगेगा, बट आई टेल यू द इम्पोर्टेंस. मैंने साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून कर दिया है कि अगर मैंने जूते पहन लिए हैं सुबह, दैट मीन्स बॉस इट्स टाइम टू वर्क. मैं शूज़ तभी उतारता हूँ व्हेन आई हैव टू रिलैक्स. इस चीज़ को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग. एक हैबिट एक्सरसाइज, दूसरी हैबिट वेयरिंग शूज़, फिर ये कंटिन्यू करती है मेरी रात वाले रूटीन में. वो मैं आपको इसके ही Part 2 वीडियो में बताऊँगा, वो चीज़ होती क्या है, वो कैसे फॉलो अप करती है. तो गाइस, देयर यू गो, अब क्लियर है कि हैबिट्स क्यों गोल से अच्छे हैं एंड आप हैबिट्स डेवलप कैसे कर सकते हो.
इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सेम ड्रिल है। किसी ऐसे इंसान को फॉरवर्ड करिए जिसको जरूरत है या वो किसी वॉइड में अटका हुआ है। डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।